हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में विभिन्न दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, यानी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में दर्शन क्या है और दर्शन के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में वर्णन कर चुकी हूँ। तो आज मैं इसके अंतर्गत बता रही हूँ कि दर्शन विभिन्न दर्शन शास्त्र शास्त्रों का अध्ययन, जैसे कि आदर्शवाद, आइडियोलिज्म, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानववाद, क्षणभंगुरतावाद, इन सब के बारे में अध्ययन इसमें होगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार जरूर होता है कि आदर्शवाद के जनक कौन है, प्रकृतिवाद के जनक कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद, जिस जैसा कि इसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, आदर्शवाद की जो उत्पत्ति है वो विचारवाद से हुई है, इसलिए कभी कभी इसको विचारवादी विचारधारा भी कहते हैं। एंड आदर्शवाद के प्रतिपादक जो हैं प्लेटो हैं, 428 से 348 ईसा पूर्व में इस आदर्शवाद की इन्होंने प्रतिपादन किया, अपना विचार रखा। और अरस्तुवाद में इससे जुड़े और इन्होंने भी आदर्शवाद के क्षेत्र में काम किया। तो आदर्शवाद पहला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रतिपादक किस कौन है आदर्शवाद के, प्लेटो एंड अरस्तु भी हैं इस क्षेत्र में जुड़े हुए, ठीक है, और प्रतिपादक प्लेटो हैं। इसके अस्तित्व का केंद्र क्या था, आदर्शवाद के अस्तित्व का केंद्र जो है मनुष्य था, ठीक है। आदर्शवाद के अस्तित्व का केंद्र क्या है, मनुष्य, क्योंकि आदर्शवाद जो है सृष्टि को मनुष्य और प्रकृति की रचना का परिणाम मानता है। आदर्शवाद सृष्टि को क्या मानता है, मनुष्य और प्रकृति की रचना का परिणाम ही सृष्टि है, यानी यह मनुष्य प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, ठीक है। एंड आदर्शवाद जीव को मन और प्रकृति की रचना का परिणाम मानता है, ठीक है। सृष्टि को मनुष्य और प्रकृति की रचना का परिणाम मानता है एंड जीव को मन और प्रकृति की रचना का परिणाम मानता है आदर्शवाद। इस आदर्शवाद का विचार में ये कहना है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं उसका सृजन व निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है, यानी कि आदर्शवाद यह कह रहा है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं संसार में हैं उसका सृजन और निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है, यानी मनुष्य को सृजन और निर्माण के बता रहा है ये आदर्शवाद, कि इसकी सृजन भौतिक वस्तुएं की सृजन और निर्माण करता कौन है, मनुष्य स्वयं है, ये आदर्शवाद का कहना है। एंड आदर्शवाद जो है मनुष्य अपने जीवन के स्तर को अधिक ऊंचा उठाने के लिए करता है, यानी कि आदर्शवाद का उपयोग जो है मनुष्य अपने जीवन में किस लिए करता है, तो मनुष्य अपने जीवन को स्तर को अधिक ऊंचा उठाने के लिए आदर्शवाद का उपयोग करता है, ठीक है। क्योंकि आदर्शों के बिना जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता, इसलिए आदर्शवाद का उपयोग जो है मनुष्य अपने जीवन के स्तर को अधिक ऊंचा उठाने के लिए करता है। लेकिन प्राचीन काल में जब यूनानी लोग थे, तो प्राचीन काल में यूनानियों ने शारीरिक शिक्षा की नींव सुंदर शरीर जैसे आदर्शों पर रखी, ठीक है। प्राचीन काल में यूनानियों ने शारीरिक शिक्षा की नींव किन आदर्शों पर रखी, सुंदर शरीर जैसे आदर्शों पर रखी। क्वेश्चन कई बार एक इस टॉपिक पर पूछा गया है कि सुंदर शरीर जैसी अवधारणा को किस से लिया गया है,
तो ऑप्शन कई दे देगा, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, तो वहां पे आदर्शवाद सही रहेगा। ठीक है, सुंदर शरीर यानी कि वो शरीर हर तरफ से बलिष्ठ हो, सुदृढ़ हो, सुडौल हो, स्वस्थ हो, हर कार्य करने में सक्षम हो। यूनानियों का शरीर के प्रति यही विचारधारा था। एंड इस विचारधारा में प्लेटो का विचार था कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रतिभाशाली होना चाहिए। क्या विचार था कि मनुष्य कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रतिभाशाली होना चाहिए। लेकिन प्लेटो के बाद अरस्तु ने शारीरिक गुणों के अतिरिक्त, क्योंकि प्लेटो ने खाली शारीरिक गुणों को ही प्राथमिकता दी, जैसे कि इसने इनका कहना है कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़, प्रभावशाली होना चाहिए। लेकिन इसमें इनके शिष्य अरस्तु ने आगे चल के शारीरिक गुणों के को भी इसमें जोड़ा, शारीरिक गुणों के अतिरिक्त और चीज़ों को जोड़ा, जिसमें से है बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को भी मनुष्य का महत्वपूर्ण आदर्श माना है। यानी कि अरस्तु ने शारीरिक गुणों के साथ साथ बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को भी मनुष्य का महत्वपूर्ण आदर्श माना है। ठीक है, इस प्रकार यदि इस प्रकार से कहेगा कि मनुष्य शारीरिक से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रभावशाली होना चाहिए, कथन किसका है? तो प्लेटो का। यदि इस प्रकार से इस कथन को कहा जाए कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रतिभाशाली ही नहीं, वरन बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों के भी महत्वपूर्ण आदर्श होना चाहिए, तो यह कथन किसने कहा है? तो अरस्तु का। ठीक है, और इस प्रकार आत्म अनुशासन के लिए इसका मानना है खेलों के शिक्षा के क्षेत्र में कि आत्म अनुशासन के लिए क्रीड़ा और एवं खेलों का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, अगर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की उपयोगिता की बात करें, तो शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम का निर्माण कुछ आदर्शों को सामने रखकर किया जाता है। ठीक है, कुछ आदर्शों को सामने रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसमें निरोग एवं स्वस्थ शरीर शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। ठीक है, और आत्म अनुशासन के लिए क्रीड़ा एवं खेलों का होना आवश्यक है। एक आदर्श शारीरिक शिक्षक शिक्षा को शरीर तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि वह नैतिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक उद्देश्यों को अपने शिष्यों में ढालने का प्रयास करता है। एक आदर्श शारीरिक शिक्षक कौन हो सकता है? वो केवल शारीरिक ही नहीं, हर एक तरफ से, यानी सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य ही होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा का आदर्श सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने से संबंधित है। तो इस प्रकार आदर्शवाद का उपयोग शारीरिक शिक्षा में किया जा सकता है। तो ये आदर्शवाद के बारे में मैंने बताया, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि विचारवाद किसे कहते हैं, यानी विचारवाद किससे लिया गया है या किस विचारधारा का शब्द है, तो आदर्शवाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है, तो प्लेटो। कभी कभी प्लेटो अरस्तु दोनों दे देता है। ठीक है, तो अरस्तु। और ये पूछ देगा कि जो सा जो आदर्शवाद है उसको वो किसको ज्यादा प्राथमिकता देता है, तो मनुष्य को ज्यादा प्राथमिकता देता है। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कि सुंदर शरीर की विचारधारा किस पे आधारित है, तो आदर्शवाद से आधारित है। और प्लेटो की विचारधारा पूछ सकता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ प्रभावशाली होना चाहिए, किसका विचार है? तो प्लेटो का। फिर पूछ सकता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ प्रभावशाली होना प्रभावशाली ही न हो, वरन बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों से भी परिपूर्ण हो, तो यह विचारधारा अरस्तु ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आदर्शवाद से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद, जिसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, और इस व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद प्रैग्मेटिज्म से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटम
या एक्सपेरिमेंटिज्म टीजम भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार प्रैग्मेटिज्म में व्यवहारवाद प्रयोगवाद न बोल के एक्सपेरिमेंटिज्म भी बोल दिया जाता है, इसलिए इसके अन्य नामों को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। वह जॉन डीवी के दर्शन शास्त्र के प्रभाव होने के कारण, यानी इनकी मुख्य भूमिका होने के कारण, इसके डीवीइज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्रयोगवाद के जनक या प्रतिपादक जॉन डीवी को माना जाता है, और मुख्य मनोवैज्ञानिक इसके अंतर्गत इसके विचारधारा के समर्थक हैं जॉन डीवी तो हैं ही, इनके प्रतिपादक ही मुख्य रूप से। एंड उसके अलावा फ्रांसिस बेकन, विलियम जेम्स, हेरा सिलिटर्स आदि हैं जो व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद यानी प्रैग्मेटिज्म यानी एक्सपेरिमेंटिज्म के समर्थक हैं। इसका मूल मंत्र है व्यवहारिकता, दक्षता एवं अनुभव, ठीक है। प्रयोगवाद यानी व्यवहारवाद का मूल मंत्र क्या है? व्यवहारिकता, दक्षता एवं अनुभव। यानी इसका कहना है कि कोई अनुभव किसी सफलता की प्राप्ति में यदि सहायक हो तो वही केवल अनुभव, यानी केवल वही अनुभव जो सहायक हो वही अनुभव अनुकरणीय माना जाता है, यानी अनुकरण के योग्य माना जाता है। इस प्रकार उनका कहना है कि सफलता जो है एक अनुभव की कुंजी होती है। जैसे आप समझ सकते हैं, जो भी सफल इंसान होता है या जो भी जिस भी चीज़ में सफलता प्राप्त होती है कई अनुभवों का परिणाम ही होता है। जैसा कि ये प्रयोग पर यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर देता है, जैसा कि ये सिद्धांत सबसे सर्वश्रेष्ठ है भी, तो ये क्या करता है, इसका कहना है कि जो सफलता है, किसी सफलता जो है एक अनुभव की कुंजी होती है, तो ये बात बहुत ही सत्य प्रतीत होता है। यानी कि इनका ये अनुकरणीय फालू माना जाता है, ठीक है, कि अनुभव के कारण जो हमारे ज्ञान में सहायक हो सीखने में वो चीज़ अनुकरण यानी अनुकरण के योग्य है। इस प्रकार उनका कहना है कि सफलता जो है अनुभव की एक कुंजी है। तो इस शब्द को याद कर लीजिए, शायद पूछ सकता है इसलिए। और ठीक है, व्यवहारिकता नाम और सत्य दर्शन शास्त्र जीवन के परिवर्तन तथा सत्य को अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है, और समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान को उत्तम साधन मानता है। प्रयोगवाद क्या करता है, व्यवहारवाद क्या करता है, कि समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान को उत्तम मानता है। विज्ञान में क्या होता है, किसी बात को तर्क के द्वारा माना जाता है, क्रमबद्ध माना जाता है, उसको प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है, तभी उस बात को रखा जाता है। तो ये जो प्रयोगवाद है वो विज्ञान को उत्तम साधन मानता है। और इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवाद का अत्यंत बहुत महत्व है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा में क्रियाओं के कौशल जो है व्यवहारिक रूप से करने या उनका प्रदर्शन करने पर ही वे सीख जाते हैं या सीख पाते हैं। अगर एक छात्र किसी कौशल को सीखना चाहता है तो उसके मन में कई प्रकार के भय रहते हैं, किंतु जैसे जैसे वह इनका अभ्यास करता है उसके भय जो है वो दूर होते जाते हैं और इसका ज्ञान बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में व्यवहारवाद प्रयोगवाद की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम व कार्यक्रम का जो निर्माण होता है वो छात्र को केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार में कभी पूछ सकता है कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम व कार्यक्रम का निर्धारण या निर्माण किसको केंद्र मानकर किया जाता है? तो छात्र को केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति केवल शारीरिक मानसिक रूप से दक्ष नहीं होना चाहिए, अपितु उसमें नैतिकता, चरित्र, सहयोग, मित्रता, सामाजिकता का विकास भी होना चाहिए। इस प्रकार अर्ल जेगलर ने कहा है कि व्यवहारवाद शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष दर्शाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा उसे जीवन का वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। तो इस परिभाषा को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अर्ल जेगलर का कहना है कि व्यवहारवाद शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष दर्शाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा उसे जीवन का वास्तविक अनुभव प्रदान करती है, ठीक है। तो इस परिभाषा को याद रखिएगा कि व्यवहारवाद शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष दर्शाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा उसे जीवन का वास्तविक अनुभव प्रदान करती है।
तो एक परिभाषा किसकी है, तो अर्ल जेगलर की। तो दोस्तों ये था व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद के बारे में, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि एक्सपेरिमेंटिज्म को और किस नाम से जाना जाता है, तो व्यवहारवाद या प्रयोगवाद प्रैग्मेटिज्म। और ये भी पूछ सकता है कि डिविज में किस का दूसरा उपनाम है, तो प्रयोगवाद का। एंड इसके प्रयोगवाद के या व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डेवी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, तो इनका भी नाम रटना आपको जरूरी है। जॉन डेवी, फ्रांसिस बेकन, विलियम जेम्स, हेरासिलिटस। ठीक है, और ये किसको प्राथमिकता देता है, ये अनुभव को प्राथमिकता देता है, जैसे कि आदर्शवाद व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, इसी प्रकार ये व्यवहारिकता दर्शाता हुआ अनुभव को प्राथमिकता देता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और सारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निर्माण के समय किस बिंदु का विशेष ध्यान रखा जाता है, छात्र को केंद्र बिंदु मानकर। ठीक है, और व्यवहारवाद शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष दर्शाता है, जिसके अंतर्गत सारी शिक्षा उसे जीवन का वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। यह कथन किसका है, तो अर्ल जेगलर। किसके संबंध में, तो प्रयोगवाद के विचारधारा से संबंधित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। इसके प्रतिपादक रूसो हैं। ये क्वेश्चन भीरी भीरी इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे या न पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद किससे संबंधित है, या प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है रूसो, या इस प्रकार से पूछता है कि रूसो किससे संबंधित है, तो प्रकृतिवाद से। ठीक है, तो प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म की प्रतिपादक रूसो हैं। अन्य विद्वान कौन कौन है इस विचारधारा में, तो डेमोक्राइट्स, एपिकूरिपस, कोमिनियस, बेस्डो, पेस्टोलॉजी, इन सब का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। एंड प्रकृतिवाद का केंद्र बिंदु क्या है, विश्व के भौतिक तत्व। जैसा कि मैंने बताया कि आदर्शवाद का केंद्र बिंदु मनुष्य है, व्यवहारवाद का यानी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु दक्षता एवं अनुभव है, व्यवहारिकता दक्षता अनुभव है, उसी प्रकार प्रकृतिवाद का केंद्र बिंदु यानी विश्व के भौतिक तत्व को प्राथमिकता देता है। ठीक है, प्रकृतिवाद का कहना है कि सत्य प्रकृति के भौतिक अस्तित्व में निहित है, सत्य जो है प्रकृति के भौतिक अस्तित्व में निहित है, ये प्रकृतिवाद का कहना है, और केवल भौतिक संसार को सत्य है। ठीक है, या केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानता है, यानी कि प्रकृति जीवन मूल्यों का ही स्रोत है। प्रकृति क्या है, जीवन मूल्यों का ही स्रोत है, तथा वह प्रत्येक व्यक्ति को विकास का निर्धारण करती है। ठीक है, इसका कहना है यदि यह सत्य प्रकृति को भौतिक अस्तित्व में निहित मानता है, सत्य को प्रकृति के भौतिक अस्तित्व में निहित मानता है, और केवल भौतिक संसार को सत्य मानता है। ठीक है, केवल भौतिक संसार को यानी प्रकृति को ही वो क्या करता है, सत्य मानता है, यानी प्रकृति जीवन मूल्यों का ही स्रोत है, ये प्रकृति को भौतिक तत्व माना है। ठीक है, प्रकृति जीवन मूल्यों का ही स्रोत है, तथा यह प्रत्येक व्यक्ति के विकास का निर्धारण करती है। ठीक है, क्या इसका क्या कहना है, जो प्रकृति है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का विकास का निर्धारण करती है, कौन प्रकृति। ठीक है, इसका कहना है कि व्यक्ति का आत्म विकास तथा वृद्धि की ओर संकेत। ठीक है, तो आत्म विकास और वृद्धि, व्यक्ति के अपने विकास यानी अपने आत्म विकास और वृद्धि की ओर ये संकेत करता है प्रकृतिवाद। इसका कहना है कि मनुष्य एक जीव है, उसका आचरण एवं व्यवहार मुख्य रूप से उसके एक प्रकार से प्राकृतिक जीव होने का परिणाम है। ठीक है, का कहना है कि मनुष्य एक जीव है, उसका आचरण उसका व्यवहार मुख्य रूप से उसके एक प्रकार से प्राकृतिक जीव होने का परिणाम है। यह क्या है कि प्रकृति व्यक्ति का प्रथम शिक्षक है। प्रकृतिवाद का कहना है कि प्रकृति जो है व्यक्ति का प्रथम शिक्षक है, जो उसे ज्ञान कराती है कि खेल कीड़ा एक जन्मजात प्रवृत्ति होने के साथ साथ व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक विकास, आत्म शिक्षण, आत्म अध्ययन का विद्या है, यानी कि शारीरिक शिक्षा में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सके। तो इस प्रकार ये प्रकृतिवाद के बारे में मैंने बताया। तो प्रकृतिवाद से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृतिवाद
किससे संबंधित है, तो रूसो से। रूसो किससे संबंधित है, तो प्रकृतिवाद से। तो प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है, तो रूसो। प्रकृतिवाद का केंद्र बिंदु कौन है, तो विश्व के भौतिक तत्व है। ये किसको सत्य मानता है, प्रकृति को सत्य मानता है। एंड किसको प्रकृति व्यक्ति का प्रथम शिक्षक होता है, यह कथन किस विचारधारा से दिया गया है, तो प्रकृतिवाद से दिया गया है। यही सारे क्वेश्चन जो है प्रकृतिवाद से बन सकते हैं। नेक्स्ट है यथार्थवाद यानी रियलिज्म, ठीक है, यानी जो रियल चीज़ होता है उसी को इसने माना है, यानी यथार्थवाद। यथार्थ मतलब जो सत्य हो, जो सामने हो, ठीक है, तो रियलिज्म, ठीक है। तो यथार्थवाद का अर्थ होता है यथार्थवाद, यानी जो वस्तु जैसे है उसी रूप में स्वीकार करना, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो जो प्रत्यक्ष सामने है वही यथार्थ है और सब झूठा है। तो यथार्थवाद कि जनक के बारे में सबसे पहले बात जानते हैं कि यथार्थवाद के पितामह हमारे अरस्तु हैं, ठीक है। एंड इनका कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। तो किसका कहना है, अरस्तु का। एक किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, यथार्थवाद से। और अन्य विद्वान इसके समर्थक कौन कौन से हैं, सेंट थॉमस, एक्विनास, डेकार्टर्स, कोमिनियर्स, कांट, लोके, विलियम जेम्स, ठीक है। तो पितामह अरस्तु हैं, अन्य विद्वान ये सब हैं, ठीक है, इसके समर्थक। ये ब्राह्मण का आधार किसको मानता है, भौतिक को मानता है, ठीक है। ब्राह्मण का आधार किसको मानता है, भौतिक, क्योंकि हमें दिखाई देता है, हमारी समझ है। क्योंकि यथार्थवाद का कहना ये है जो हमारी समझ हो, जो हमें दिखाई देता हो, वही सत्य है और सब झूठा है। यानी कि यथार्थवाद का कहना है कि यथार्थवाद यानी जो वस्तु जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना, ठीक है। यानी कि इससे हमें सृष्टि को उसी रूप में, एक इसका कहना है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में वो हमारे सामने आती है, ठीक है। यानी कि इसका कहना है कि सत्य वही है जो हमारे सामने आता है या हमारे समक्ष है, उपस्थित है, या जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है, ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से यानी जो तर्कपूर्ण हो, जिसमें तर्क किया जा सकते हो, उसकी वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो, उसको कई बार प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम वही निकले। ये सब वैज्ञानिक प्रमाणिकता के ढंग होते हैं। वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन जिसका किया जाता है, एक तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है, प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो ये वही चीज़ सत्य माना जाएगा जो सामने है। तो सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है यथार्थवाद में। और तो सारे शिक्षक को इन सबसे परिचित होकर ही, सारे शिक्षा को सत्य से परिचित होकर ही सारे शिक्षक को, बालकों को सारी शिक्षा का विकास करना चाहिए। तो सारे शिक्षा को इस सब का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इस प्रकार मनुष्य को सुखी बनाना इसका लक्ष्य है यथार्थवाद का, और इंद्रियों को प्रशिक्षित करके इसको विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये था यथार्थवाद। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है। यथार्थवाद का अर्थ है कि जो वस्तु जैसे है उसी रूप में स्वीकार करना। और इसके पितामह कौन है, तो अरस्तु। एंड इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैसे कि इसके अंतर्गत जो जो विद्वान इसके समर्थक हैं, जैसे ऐसे पूछ दिया कि एक्विनास, डेकार्टर्स, कोमिनियस, कांट या सेंट थॉमस, ये सब भी विद्वान किस विचारधारा से संबंधित हैं, तो इसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। और इसको ब्राह्मण का आधार किसको मानता है, भौतिक तत्व को मानता है, केंद्र बिंदु भौतिक तत्व को मानता है। जैसा कि मैंने बताया कि आदर्शवाद किसको केंद्र बिंदु मानता है, मनुष्य को मानता है। एंड प्रयोगवाद यानी व्यवहारवाद किसको मानता है, व्यवहारिकता दृष्टा अनुभव को मानता है। प्रकृतिवाद किसको मानता है, विश्व के भौतिक तत्व को केंद्र बिंदु मानता है। एंड यथार्थवाद किसको मानता है, ब्राह्मण का आधार या केंद्र बिंदु भौतिक तत्व को जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मानववाद यानी ह्यूमेनिज्म। इसके प्रवर्तकों में कौन कौन से विद्वान इसके प्रवर्तक हैं, इसी विचारधारा के मानने वाले हैं, तो मार्गरेट सिंगर, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मेस्लो तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं। और इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि मॉडर्न ह्यूमेनिज्म, नेचुरलिस्टिक ह्यूमेनिज्म, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, एथिकल ह्यूमनिज्म तथा डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म। यानी मानववाद की उत्पत्ति
अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ह्यूमनिज की होमो से हुई है, जिसका अर्थ है मानव, यानी इसके अंतर्गत मानव, उसके मूल्य, उसकी सोच, उसके ज्ञान आदि आते हैं। ठीक है, मानववाद के अंतर्गत क्या आते हैं? मानव, उसके मूल्य यानी कि उसके जो रीति रिवाज एंड सामाजिक मान्यताएं हैं वो, एंड सोच और उसका ज्ञान आदि आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार मानववाद की मूल मान्यताएं हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि मानव केंद्रित, मानववादी मूल्य, मानववादी परिप्रेक्ष्य। तो मानव केंद्रित की सबसे पहले हम बात करेंगे। मानव केंद्रित में यह क्या कहता है कि अति मानव का विरोध करता है। अति मानव का विरोध करता है यानी कि किसी महापुरुष को मूल रूप से अन्य पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं मानता, यह मानव केंद्रित है। यानी किसी भी दूसरे महापुरुष को मूल रूप से अन्य पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं मानता। इसका केंद्र बिंदु मानव गरिमा के प्रति आस्था है। मानव केंद्रित का क्या है? मानव गरिमा के प्रति आस्था है। अब दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, मूल मान्यताओं में दूसरा है मानववादी मूल्य, यानी कि ह्यूमनिस्ट वैल्यूज, या इसके अंतर्गत मानव ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना किसी प्रकार का मानवीय अथवा सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है, भौतिक आवश्यकताओं के बिना। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है पशु से अधिक है, इसलिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान के आयोजन से उसका कल्याण साधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहना है मानववादी मूल्य का। और मानववादी मूल मान्यताओं में तीसरा है मानववादी परिप्रेक्ष्य, यानी ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण से यह मानवीय दृष्टिकोण रखता है, यानी कि राजनीतिक जीवन में, मानवीय दृष्टिकोण से राजनीतिक जीवन में मूल्यों के प्रति मानवतावादी परिप्रेक्ष्य रखता है। यानी मनुष्य के मनोवैज्ञानिक और विश्व में उसकी स्थिति पर आधारित है। मानव प्राणी जो है आंतरिक व बाह्य पहलुओं में, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मांगों को संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है उन्हीं का नाम मानव जीवन है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक व बाह्य पहलुओं में, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मांगों को संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है उन्हीं का नाम मानव जीवन है। जैसा कि हम सबके जीवन में एक घटित होता है, आंतरिक बाह्य पहलुओं में सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक परिवेश हो गया, ये वातावरण हो गया, जो अपनी शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक मांगों को, जो हमारी शारीरिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं उन सबको संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रियाएं किया जाता है उन्हीं का नाम मानव जीवन है। ठीक है, तो ये मैंने बात किया मानववाद की, जो मानव को केंद्र बिंदु मानता है। नेक्स्ट है, यानी छठवां है, क्षण भंगुरतावाद, जिसे व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहते हैं। यानी व्यक्ति को विशेष दर्जा देता है। इसके प्रवर्तक हैं किर्केगार्ड, नीटजे, सार्टजे, यानी प्रमुख समर्थक हैं इसके जॉन डीवी। ठीक है, व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक, प्रमुख प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। और जॉन डीवी किसके हैं? पिछले टॉपिक में क्या बताएं कि जॉन डीवी प्रयोगवाद, प्राग्मेटिज्म में यानी व्यवहारवाद के जनक हैं, प्रवर्तक हैं, और ये व्यक्तिवाद के भी। ठीक है, एंड इसके मनोवैज्ञानिकों का मानना है, क्षणभंगुरतावाद के समर्थकों का मानना है, यानी व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति समाज में अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी ये व्यक्ति को विशेष दर्जा देता है। ठीक है, परंतु व्यक्ति को समाज तभी अपनाता है जब वो स्वयं समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और अपने व्यक्तित्व को निखार लाता है।
यानी आज के युग में शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है वो व्यक्ति को ही माना जाता है। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति को विकसित कर सके, अर्थात इतना विस्तृत हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण अनुभवों के माध्यम से कर सके। तो यहाँ पे इस विचारधारा में व्यक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। तो किसी भी चीज़ में व्यक्ति को ओनली व्यक्ति को विशेष महत्व दे करके तो काम नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार शारीरिक व्यायाम करता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा जो है वो सामूहिक कार्यक्रम है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उस कार्यक्रम को केंद्रित करना ये संभव नहीं है, इसलिए इस विचारधारा का शारीरिक शिक्षा के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, मतलब उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है इस व्यक्तिवादी विचारधारा का। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आज आदर्शवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद आदि के बारे में बताया। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। आदर्शवाद किसको केंद्र बिंदु मानता है? मनुष्य को। ठीक है, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म के प्रतिपादक कौन है? जॉन डिवी। उसका मूल मंत्र यानी केंद्र बिंदु क्या है? व्यवहारिकता, दक्षता या अनुभव। और मैं कहती हूँ कि प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के प्रतिपादक कौन है? रूसो। उसका केंद्र बिंदु कौन है? विश्व के भौतिक तत्व। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ कि यथार्थवाद यानी रियलिज्म के प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु। उनका क्या कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। एंड उसका केंद्र बिंदु क्या था? भौतिक तत्व, ब्रह्मांड का आधार भौतिक। ठीक है, यानी जो वस्तु जिस रूप में दिखाई दे उसी को स्वीकार करना या यथार्थ को। एंड मैं पूछती हूँ कि ना मानववाद के अंतर्गत कौन कौन से इसके प्रवर्तक हैं? तो मार्गरेट सिंगर, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, यह मानव को केंद्र बिंदु मानता है। निष्ठाक्षरभंगतावाद यानी व्यक्तिवाद के समर्थक कौन है, यानी मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो जॉन डेवी। अन्य में किर्केगार्ड, निर्जे, सार्ट्रे। ठीक है, यह व्यक्ति को ही केंद्र मानता है, यानी व्यक्ति को ही विशेष मानता है। तो ये था मुख्य क्वेश्चन जो इससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 के 6 टॉपिक ऐसे थे जो हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसके कौन प्रवर्तक हैं। तो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही दिया गया है, और इसमें से भी आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में इसमें ना आया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एंड जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो उसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।